लोकपाल के गठन से पहले नए लोकपाल के चयन पैनल पर ही विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। कल इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर हुई बैठक में सुषमा ने पीएम के प्रस्ताव पर अपना विरोध जताया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने लोकपाल पैनल में प्रतिष्ठित कानूनविद की श्रेणी में सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील पीपी राव को नामित करने का प्रस्ताव किया, जिसका सुषमा स्वराज ने समर्थन करने से इनकार कर दिया। हालांकि सुषमा की बात नहीं मानी गई, क्योंकि सरकार के नामित व्यक्ति के पक्ष में 3 वोट थे। सुषमा की दलील है कि राव कांग्रेस के वफादार हैं। सुषमा ने मांग रखी कि पैनल ऐसे लोगों से मुक्त होना चाहिए और इसमें गैर राजनीतिक लोग होने चाहिए। सुषमा ने कहा कि इसे एक बंधक संस्थान नहीं बनाया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सुषमा ने पूर्व अटॉर्नी जनरल के पराशरन, वरिष्ठ वकील फली नरिमन और हरीश सालवे के नाम आगे किए। सुषमा के विरोध के बावजूद चयन समिति के 3 अन्य सदस्यों, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश HL दत्तू ने राव की सदस्यता के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। अब सुषमा इस मामले को राष्ट्रपति के पास ले जा रही हैं। उधर कांग्रेस ने इसे सरकार का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। वामपंथी दलों ने इसे चयन समिति का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। तो अब वो तय करेंगे, अब उनके ऊपर है कि हर इंडिविजुअल के क्रेडेंशियल्स के आधार पर तय करें। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सरकार और विपक्ष किसी बड़े पद की नियुक्ति के मुद्दे पर एक दूसरे के विरोध में दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पहले सुषमा ने पीजे थॉमस को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाने का विरोध किया था, लेकिन सरकार ने यह नियुक्ति की। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद थॉमस को बाद में हटा लिया गया। फिलहाल इस ताजा टकराव का नतीजा क्या होगा, ये कह पाना मुश्किल है। रवि धीमान की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।